केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक के मामले में रोक लगाए जाने के बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, यहां एक विवाहिता द्वारा दहेज न लाने पर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। प्रदेश भर में तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला यमुनानगर के मंडोली से सामने आया है, जहां मंडोली की रहने वाली एक महिला लगातार दो साल से अपने ससुराल वालों के दहेज की मांग को पूरा करती आ रही थी, लेकिन ससुराल वालों की मांगे थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महिला ने जब थक हार कर अपने पति को 1,00,000 रुपए की रकम देने से इनकार कर दिया, तो उसके पति ने 3 बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया और उसे पड़ोसी के हवाले कर दिया। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की मंडोली की साहिबा अपनी एप्लीकेशन लेकर आई थी कि मेरा घरवाला, मेरी सासू, मेरी ससुरा, मेरी ननंद और मेरा चाचा सोरा ने मेरे से दहेज की मांग करते रहे और मारपीट करके 3 बार तलाक निकाले घर से निकाल दिया और हमने उसकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। केंद्र सरकार तीन तलाक पर रोक तो लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन तलाक के मामले सामने आते रहते हैं। पीड़ित महिला साहिबा का कहना है कि 3 तलाक के बाद उसकी जिंदगी नर्क के समान हो गई है। मुझे मारते थे भाइयों को, तब मुझे मारते थे। कभी कह रहे 17,000 रुपए ला, कभी 22 दिए हमने। फिर मैं कह दूंगी, फिर अब 1,00,000 रुपए की डिमांड करी। मैं अकेली हूँ, मैं कह रहे थे अकेली है, मैं अकेली हूँ तो गरीब ही कहाँ से देंगे। और फिर बाद में इसी तरह मार पीट करके 3 तलाक कह दिया और फिर घर से बाहर निकाल दिया कि दूसरे के घर में बिठा दे मुझे। सवाल यहां आता है कि क्या यह मामला 3 तलाक का है? क्या वह पत्नी गुनाहगार नहीं जिसने दहेज को बढ़ावा दिया? फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है।